सूचना पर यहाँ पर वेदांत हॉस्पिटल में आपने छापेमार कार्रवाई की है, क्या पाया और क्या कार्रवाई की गई सर यहाँ पर? देखिए, कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि वेदांता हॉस्पिटल जो कि मथुरा रोड पर है, यहाँ पे अनधिकृत रूप से इलाज किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों से गलत तरीके से मोटी धनराशि वसूली जा रही है, इलाज ठीक तरीके से नहीं है और इनके जो बेसिकली परमिशंस हैं वो भी पूरी नहीं है। तो आज इसी क्रम में चिकित्साधिकारी महोदय के साथ और हमारे डॉक्टर साहब उनके साथ संयुक्त रूप से यहाँ छापेमारी की गई और जो शिकायतें थी पूरी तरह सत्य पाई गई हैं। यह पाया गया कि यहाँ पे ICU ऑपरेट हो रहा है, OT ऑपरेट हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई डॉक्टर लगातार मौजूद नहीं है। जब पेशेंट से यहाँ पूछताछ की गई तो ये भी पाया गया कि यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हैं, प्रबंधक यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है, जो ना तो क्वालिफाइड है ना ही ऑथोराइज्ड है किसी तरह का क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए। सर आपके द्वारा कार्रवाई क्या की गई सर आपके द्वारा? उसके देखिए वो सारी जब हम लोगों ने चीज़ें देखी कि किस तरीके से यहाँ ट्रीटमेंट है, ऑथोराइज डॉक्टर्स हैं या नहीं है, CCTV फुटेज को भी खंगाला गया और सारी चीज़ों को देखने के बाद अस्पताल को सील किया गया है। यहाँ पे 4 मरीज एडमिट थे, चारों को सुचारू रूप से नियमानुसार शिफ्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताकि उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना हो और अस्पताल को सील करते हुए जो यहाँ पे प्रबंधक हमको मिले हैं जिनका नाम मोहित अग्रवाल जी है, उनको गिरफ्तार किया गया है। एक FIR हो गई है, 3 FIR और इसमें होंगी, परिजन करवाना चाह रहे हैं। उसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी इनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज करवाया है। सर जो कथित डॉक्टर हैं और भी हैं संलिप्त हैं इसमें, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, FIR में जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ जांच के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है सभी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।